मिर्ची वड़ा आपने बनाया भी होगा और खाया भी बहुत होगा। आज मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा मिर्ची वड़ा विद मैंगो चटनी। जी हाँ, ये डिफरेंट है और बहुत ही आसान है। इसकी सामग्री हमें घर पे ही मिल जाती है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप किटी पार्टीज, गेस्ट आ जाए तब बना सकते हैं और बच्चे तो इसे मज़े लेकर खाएंगे। मैं हूँ माधुरी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे मैंगो चटनी। इसके लिए मैंने एक आम लिया, उसको रफली काट लिया है। अभी यहाँ मैं 3 हरी मिर्च ले रही हूँ, 4 से 6 लहसुन है, लहसुन ऑप्शनल है, आप बिना लहसुन के भी बना सकते हैं। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। बस अब इन सबको पीस लेंगे, इसे पानी नहीं डालना। नीचे रेडी हो गई है आम की चटनी। अब बनाते हैं मिर्ची वड़ा। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए पीली मिर्ची। अब मिर्ची को मैंने अच्छे से धो लिया है, अब इसे बीच में से काट लेंगे, अंदर से बीज निकाल लेंगे। इस तरीके से सारी मिर्ची को कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारी मिर्च कर ली है इस तरह से। अब स्टफिंग्स के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम पनीर लिया है, लगभग 1 कटोरी। इसे कद्दूकस कर लिया है, 1 कटोरी चीज़ कद्दूकस कर लिया है, चीज़ आप कौन सा भी ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच पिज़्ज़ा मिक्स हब्स जो इजीली मार्केट में मिल जाता है वो डालना है, 1 छोटा चम्मच ड्राई गार्लिक पाउडर ऑप्शनल है, 1 नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये तो हो गया स्टफिंग, अब करते हैं घोल के लिए। जो पकोड़े तलेंगे उसके लिए मैंने 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी मैदा लिया है, नमक स्वाद अनुसार। इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ये इक्वली लेना है बेसन और मैदा। अब इधर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि हमें इस भजिए का घोल बहुत पतला नहीं करना है, इसे इतना ही गाढ़ा रखना है जैसे हम रेगुलर मिर्ची वड़ा बनाते हैं उस तरीके का घोल रखना है। जैसे आलू वड़ा भी बनाते तो उसका घोल कैसे गाढ़ा रहता है उतना ही गाढ़ा रखना है। अब इसे 5 मिनट सेट होने के लिए रख देते हैं। जब तक सेट हो रहा है अब ये मिर्ची में भर लेते हैं स्टफिंग, पनीर और चीज़ की जो बनाई थी। अच्छी तरीके से भर लीजिएगा आप, जितना भर सकते हैं। इस तरीके से देखिए अच्छे से मिर्ची में सब भर जाए मसाला। इस तरीके से सारी मिर्ची भर लेंगे, ये मैंने भर के रख ली है। अब जो घोल रेडी किया था उसमें डिप करेंगे। यहाँ मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स ऑप्शनल है, आप चाहे तो डायरेक्ट घोल में डाल के इस तरीके से भी तल सकते हैं। ब्रेड क्रम्स से क्रिस्पी ज़्यादा बनते हैं, और आप चाहे तो मैदा अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो सिर्फ बेसन का भी बना सकते हैं। इस तरीके से सारे मिर्ची वड़े कर लेंगे। मैंने तेल पहले से ही गर्म करके रखा था, अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। इसे मीडियम टू लो फ्लेम में ही तलना है, ये ध्यान रखिएगा। लीजिए रेडी हो गया, देखिए कैसी आवाज़ आ रही है। अब इसे बीच में से कट करके मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसमें किस तरीके से, देखिए स्टफिंग दिख रही है। ये रेडी हो गया है पिज़्ज़ा मिर्ची वड़ा। अब इसे सर्व करेंगे आम के चटनी के साथ। अब मैंने यहाँ पे शॉट ग्लास लिए हैं, आप ऐसे बाउल या उसमें भी आप सर्व कर सकते हैं। लीजिए रेडी हो गया मिर्ची वड़ा। आपको रेसिपीज़ कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना ना भूलें।